इनका ख्याल है दीदम हार गई, लेकिन ये लोग गलत हैं। खेल खत्म नहीं हुआ अभी, जीत मेरी होगी, देख लेना। जाओ चैंक, वो अकेली है, तुम अच्छी तरह जानते हो क्या करना है तुम्हें। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं। तुम लोगों की वजह से मैं यहाँ पर आई, और यकीन करो मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ। हयात, तुम्हें शर्म आनी चाहिए हमें शुक्रिया कहते हुए। क्या हम तुम्हारे दोस्त नहीं है, बताओ हमें। हाँ, क्या बात है, आज तो तुम बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हो। ये सारी खुशी तुम्हें सिर्फ हमारी वजह से नसीब हुई है। अरे हम तीनों दोस्त हैं यार। अच्छा सुनो, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, बाय। आपको कोई काम है मुझसे? हाँ मुझे तुमसे काम है। दरअसल मुराद तुम्हें ढूंढ रहा था, उसने कहा अगर तुम मिलो तो तुम्हें बता दूँ कि वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे जाना होगा। अच्छा उन्होंने बताया आपको कि वो कहाँ है? हाँ बिल्कुल, वो झील के पास है, लेकिन बाहर काफी अंधेरा है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अकेले जाना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। कितने अच्छे हैं आप, यही सोच रही थी मैं कि अकेले कैसे जाऊंगी, लेकिन आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अरे क्यों शर्मिंदा कर रही हो तुम मुझे, चलो आओ वहाँ से चलते हैं। बहुत शुक्रिया, चलिए। चले कुछ देर इन लड़कियों को मैं टाइम दे देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। मुराद सर तो नहीं है यहाँ पर? लेकिन मुराद ने तो मुझे इसी जगह का बताया था। तुम मेरे साथ बोर हो रही हो क्या? उन्होंने इसी जगह का कहा था? हाँ, डर लग रहा है तुम्हें? नहीं मुझे डर नहीं लग रहा। तुम देखो ना यहाँ कितना मजा आ रहा है, कितनी खूबसूरत जगह है ये। तुम देखो तो झील को, कितनी खूबसूरत लग रही है। जी मुझे सब नजर आ रहा है, मुराद सर नजर नहीं आ रहे। अच्छा ठीक है, झूठ बोला मैंने। कैसा झूठ? मुराद तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था, दरअसल मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। दोबारा शुक्रिया करती हूँ रुकने के लिए। तुम्हारा भी शुक्रिया, बहुत एंजॉय किया मैंने। सब लोग अच्छे मूड में हैं? हाँ सब खुश हैं। मेरी बर्थडे ने दो लोगों को एक कर दिया। अगर तुम टूवल की बात कर रही हो तो वो सिर्फ मजाक कर रही है। नहीं मैं हयात और चैंक के बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हें पता है वो दोनों बाहर गए हैं पूरी रात गुजारने के लिए, क्या तुमने नहीं देखा? ये खामोशी मुझसे सही नहीं जा रही है यार। तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हारे साथ मजाक करूंगी, जबकि झूठ बोलकर तुम मुझे यहाँ लाए? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अब इसमें बुराई क्या है कि अगर हम दोनों एक साथ कुछ वक्त गुजारें तो बेहतर रहेगा, दूर रहो मुझसे। वैसे तुम गुस्से में और भी ज्यादा हसीन लगती हो। बस वापस जा रही हूँ मैं। अच्छा रुको, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें बोर नहीं कर रहा, और ये बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ हयात। तो मैंने कब कहा कि आप हैं? देखो मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताता हूँ। मैं इस्तांबुल की सबसे बड़ी एड एजेंसी में काम करता हूँ। तुम चाहो तो मेरे ऑफिस का एड्रेस ले लो, मेरा फोन नंबर ले लो। दीदम का दोस्त हूँ मैं, तुम मुझे एक मौका तो दो। देखो मुझे जाना है अंदर। हयात वो देखो वहां पर क्या है। क्या बदतमीजी है? हाँ क्या हो गया है तुम्हें हयात? क्या हो तुम्हें हयात? क्या हो गया पूछ रहे हो? किस किस्म की लड़की समझ रहे हो तुम?
माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ तुमसे अब एक लफ्ज भी और मत कहना वरना तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। यही था, बस ऐसी वॉक के लिए गया था। मुराद, क्या मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं? तुम पूरी रात यहाँ कैसे गुजारोगे? ये रात बहुत लंबी है, तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। और रूम इतना बड़ा नहीं है, मेरा ख्याल है तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन चलो दिखाओ मुझे।